रंगमती कना कलत हसिक पदे का हल कथा यहाँ रोज नहीं बोल के भी सौ लोग आ रहे हैं रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं रोज रजिस्ट्रेशन की संख्या बहुत सारा है मैं निकला और गड्डी लेके और रास्ते पर और सड़क में एक मोड़ आया मैं उठ दिल छोड़ आया सबसे बेस्ट गवर्नमेंट में बहुत अच्छा बदलाव है और कॉलोनी आस पास है सब बच्चे आके यहाँ पे बहुत खुश होंगे उनके माता पिता भी खुश होंगे आप आप भी बच्चे को एडमिशन कराए क्या कुछ ही दिन कुछ ही दिन हुए हैं सर मेरी बेटी को मैंने वेस्टर्न और क्लासिकल दोनों में एडमिशन दिलाया है आ, मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है आज हम आपको छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एक ऐसे केंद्र के बारे में बताएंगे जहां एक नया प्रयोग किया गया है कला केंद्र नाम है इसका इस कला केंद्र में बच्चे बूढ़े जवान हर वर्ग के लिए अलग अलग तरीके की विधाओं में प्रशिक्षण दिया जा रहा है संगीत सिखाया जा रहा है कहीं तबला बजाया जा रहा है वायलिन गिटार तो जुम्बा डांस हो रहा है ख़ास बात यह है कि स्टूडियो बनाया गया कि है कि स्टूडियो है जिसमें गानों की रिकॉर्डिंग भी की जा रही है और तमाम तरह की सुविधाएं हैं अब तक इस केंद्र में करीब एक हज़ार लोगों ने आवेदन कर दिया है आज हम इसी केंद्र के बारे में अलग अलग स्ट्रीम के लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे यहाँ किस तरह की सुविधाएं दी जा रही है तो स्पेनिश गिटार से यहाँ लोगों को सिखा रहे हैं हमारे साथ आप बताएंगे आ, क्या किस तरह से चल रहा है प्रशिक्षण ये बहुत अच्छा सरकार का एक व्यवस्था है जो सभी बच्चों को आना ही चाहिए और सीखना चाहिए अच्छा यहाँ यहाँ क्या क्या सिखा रहे हैं आप लोग किस तरीके से सिखा रहे हैं हमारे यहाँ गिटार को हिंदी वेस्टर्न और छत्तीसगढ़ी तीनों चीज़ को हम बता रहे हैं इसमें जो आसान भाषा में समझा रहे हैं कि गिटार एक है तो वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट लेकिन सभी जगह इस्तेमाल होता है ये छत्तीसगढ़ी के बच्चे मिल रहे हैं क्या छत्तीसगढ़ी सीखने वाले बिल्कुल छत्तीसगढ़ी सीखने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा संख्या में मिल रहे हैं क्योंकि आसपास लोकल वहीं हैं तो उनको सीखने में बड़ा मज़ा आ रहा है और आसान तरीके से सीखने को मिल रहा है वहाँ सरकार का बहुत अच्छा प्रयास है बहुत अच्छा लग रहा है हमको भी सिखा कर जी आप लोग कब से यहाँ सिखाना शुरू किए प्रशिक्षण और क्या लग रहा है आगे क्या रहेगा हमारा चौथा या पांचवा दिन ही चल रहा है और यहाँ रोज़ नहीं बोल के भी सौ लोग आ रहे हैं रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं रोज़ रजिस्ट्रेशन की संख्या बहुत सारा है और नए नए बच्चे रोज़ के बैच में तीन से चार लोग जुड़ रहे हैं तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा है आप कौन सा गिटार बजा रहे हैं क्या खासियत है इस गिटार की गिटार वो बजा रहे हैं वो ही ये गिटार है ये स्पेनिश गिटार है इसकी खासियत ये है कि आपको किसी अन्य इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट की जरूरत नहीं बस लगती आप सीधा इसको बजा के किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकते हैं मतलब आपने अब तक कितने लोगों को मंत्रमुग्ध किया सभी मंत्रमुग्ध हैं अभी बैठे हुए हैं जो है आपको भी कर सकते हैं कुछ अच्छा फिर सुनाइए हम लोग भी थोड़ा मंत्रमुग्ध हो कला केंद्र में बहुत सारे लोग रोजाना आ रहे हैं नए नए प्रयोग कर रहे हैं नई चीज़ें सीख रहे हैं आज हम बात करेंगे कि इन लोगों को क्या सुविधाएं मिल रही हैं और किस तरह का अनुभव रहा है जी कैसा रहा आपका अनुभव क्या सुविधाएं मिली आज मैं यहाँ फर्स्ट टाइम मैंने बच्चे के एडमिशन के लिए आई थी तो मुझे यहाँ का सारा जो इवेंट्स वगैरह जो भी है जो भी सिखा रहे हैं उसका बहुत अच्छा लगा मुझे और मैंने अभी अपने बच्चे को कत्थक क्लासिकल में और चित्रकला में मैंने उसको ज्वाइन कराया है जो चीज़ हम लोगों ने नहीं कर पाई उसके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है हमारे बच्चों को यहाँ पर आप आप भी बच्चे को एडमिशन कराएँ क्या कुछ ही दिन कुछ ही दिन हुए हैं सर मेरी बेटी को मैंने वेस्टर्न और क्लासिकल दोनों में एडमिशन दिलाया है आ, मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ और भी बहुत सारे स्किल्स होती है जिसका डेवलपमेंट बच्चों में होना चाहिए उसे आ, बाकी जो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात यदि करते हैं तो वो यहाँ पर पूरा देखने को मिल रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ है कुछ नए यहाँ और चीजें जो आप लोगों को लगता हो कि और भी होना चाहिए कुछ बढ़ाना हो कुछ चीजें नई करनी हो वो तो अभी शुरुआत है धीरे धीरे बच्चे आएंगे तो हमारी भी इच्छाएं बढ़ेंगी ये चाहिए वो चाहिए लेकिन बोलने की जरूरत ही नहीं इतना अच्छा यहाँ पे करा है दिए और सबसे बेस्ट गवर्नमेंट में बहुत अच्छा बदलाव है और कॉलोनी आसपास है सब बच्चे आके यहाँ पे बहुत खुश होंगे उनके माता पिता भी खुश होंगे और सबसे बेस्ट बजट इतना कम है कि कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है हंसते हंसते सब मिया। मा, माता पिता है यहाँ पे बच्चों को एंजॉय कराएंगे खुद भी साथ में करेंगे चीजें बहुत महंगी स्तर पे है 500 में बहुत अच्छे से सिखाया जा रहा है तो ये चीज मम्मियों के लिए ज्यादा है कि बजट के अंदर अंदर क्योंकि हम देखो पाँच से आठ तो उनको यहाँ छोड़ के जाएंगे थोड़ा हम भी कुछ भी और सीख लेंगे तो हम भी बेफिक्र होंगे जो गर्मी की छुट्टी होगी हम यहाँ आके उनको और सिखाएंगे कम से कम बच्चों के लिए हम टेंशन फ्री है यहाँ आके मैके जाने की जरूरत नहीं बढ़िया यही मैका बनाओ <laughs> बहुत पीसफुल जगह दिया है बच्चों के लिए भी और हम लोग के लिए भी और मतलब हमको यहाँ पर आके बहुत पीसफुल लग रहा है और अच्छा लग रहा है।, है मेरे हस्बैंड भी यहाँ पर संगीत सीखने आ रहे हैं बच्चों को भी मैं लेके आई हूँ और मैं खुद भी छोटे छोटे बच्चों के साथ पेंटिंग सीखने आई हूँ हम हाँ, हमारा एक बच्चा आज एडमिशन हमने किया यहाँ पे दस बच्चे छोड़ के जाएंगे नहीं है तो बहुत अच्छी चीज़ है कि हर कोई आके यहाँ सीख सकता है टीचर्स काफी अच्छे नेचर है और कॉपरेट कर रहे हैं टीचर बताए थे तो बहुत अच्छे से बताया जा रहा था मैं जस्ट दूसरे दिन आई थी अपनी बेबी को के पेपर में देखी थी तो तो बहुत अच्छे से बताया जा रहा था कि समाज आ रहा था कि कला केंद्र क्या है ऐसे तो 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 करके तो तो बहुत ऐसा हो गया बहुत अच्छा कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि इस कला केंद्र को लेकर बहुत उत्साह है जो माताएं हैं वो बहुत उत्साहित हैं कि हमारे बच्चों को कुछ नया सीखने को मिलेगा और यहां बेहतर होंगे वो भी खुद किसी ने कहा कि मायके भी नहीं जाएंगे इस बार यही रहेंगे कुल मिलाकर कला केंद्र जो सरकार की पहल है उसकी लोग सराहना कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कला केंद्र शुरू किया गया है यहाँ तमाम तरह की एक्टिविटीज हो रही है ये पहली बार हो रहा है कि म्यूजिक सिंगिंग डांसिंग और तमाम चीजें आज हमारे साथ रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह जी हैं हम बात करेंगे कि इस कॉन्सेप्ट के पीछे क्या उनकी मनसा थी और अभी क्या रिस्पांस मिल रहा है सर हमें यहाँ के जो युवा हैं उनको पढ़ाई खेल कूद के साथ भी उनके अंदर की जो रचनात्मक प्रतिभाएं हैं उनके लिए ऐसे अवसर प्रदान करने हैं कि आने वाले समय में ये देश विदेश में न केवल अपना नाम कमाएं, बल्कि उनकी ये प्रतिभाएं, उनकी आय का भी जरिया बने इसी को देखकर रायपुर जिला प्रशासन ने ये कला केंद्र की स्थापना की है इसमें हम बारह पंद्रह तरीके की विधाओं में बच्चों को सिखाते हैं और बच्चे ही नहीं महिलाएं जुड़ रही हैं बुज़ुर्ग जुड़ रहे हैं और ऐसी ऐसी कलाएं जो लगभग लुप्त होने की कगार पर थी उनको भी लोग सीखने के लिए आतुर हैं और इसको हमने इतना फ्लेक्सिबल रखा है कि शिक्षक भी यहीं के और छात्र भी यहीं के तो और लगातार लोग जुड़ रहे हैं अभी तक जो मुझे जानकारी दी गई है तीन से ज़्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है 1100 से ज़्यादा फॉर्म ले जा चुके हैं जो संख्या आने वाले समय में चुकी परीक्षाएं चल रही हैं इसलिए आने वाले समय में संख्याएँ बढ़ेगी और लोगों में जो उत्साह है जो अभिभावक लेकर आ रहे हैं उनका जो उत्साह है उसको देख लगता है कि हम लोगों ने जो एक छोटा सा काम शुरू किया था वो अब धीरे धीरे परिणाम दे रहा है हमने देखा कि अभी जो अभिभावक हैं महिलाएं हैं पुरुष हैं सभी लोग मिलना चाह रहे थे और ये जानना चाह रहे थे कि और क्या क्या सुविधाएं बढ़ेंगी तो सर आने वाले समय में और क्या इसमें सुविधाएं बढ़ सकती हैं देखिए निसंदेह रूप से जब कोई व्यवस्था शुरू होती है तो समय के साथ हमें समझ में आता है कि उसमें और कितने विस्तार की आवश्यकता है और कितने एडिशन की आवश्यकता है तो समय के साथ जो भी आवश्यकताएं होंगी उनका लगातार हम लोग देख रहे हैं कि क्या आवश्यकताएं हैं पानी की जरूरत है तो पानी की व्यवस्था जो भी अन्य व्यवस्थाएं है, आवश्यकताएं हैं सुरक्षा की व्यवस्था तमाम चीज़ें जो समय के साथ आवश्यक होंगी वो हम करेंगे कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि यहाँ और भी सुविधाओं का विस्तार होगा और कला केंद्र को और बेहतर बनाया जाएगा कुछ नन्हे बच्चों से भी हम बात करते हैं वो लोग आ जाए हैं यहाँ आप लोग कब से आए हैं और क्या सीख रहे हैं मैं आज से आई हूँ और मैं कथक और सिंगिंग सीख रही हूँ अच्छा पहले भी आप सीखते थे कहीं या यहीं आकर शुरुआत किए यही आके मैंने शुरुआत की है बहुत अच्छा और आप आप कब से आ रहे हैं मैं भी आज से ही आई हूँ क्या सीख रहे हैं आप मैं भी कथक ही सीख रही हूँ दोनों लोग दोस्त हो हाँ। दोनों हाँ। एक दूसरे को जानते हो और तो दोनों में अच्छा डांस कौन करता है दोनों ही करते हैं हम लोग और आप क्या करते हैं मैं तो हूँ अच्छा तो तीनों कथक वाले हो और दोस्त हो नहीं नहीं अच्छा अच्छा डांस कौन है? अच्छा डांस कौन कौन करता करता है है दोनों यहाँ तो तीन है ये दोनों करते हैं आप मैं भी अच्छा कर लेती हूँ क्या नाम है भैया आपका कुशाग्र आप क्या सीखने आए हैं मैं मैं ड्राइंग सीखने आया हूँ और म्यूजिक भी सीखते हैं नहीं अरे नहीं कल तो आए नहीं थे सर तो जुड़ा नहीं अभी म्यूजिक में अच्छा म्यूजिक भी सीखेंगे आप हाँ सीखेंगे सीखूंगा कोई गाना आता है आपको हाँ बहुत अच्छा रहता तीन चार रहता है सुनाइए सुनो हाँ सारे सारे सुनाओ मैं निकला गड्डी लेके और पर वो सड़क में एक मोड़ आया मे दिल छोड़ आया रब जाने ओ कब गुजरा ओ अमृत सर ओ लाहौर आ दिल छोड़ा या पर वो अला मारने पीटने वाला बस सुना दो मारने पीटने वाला चलेगा पायो जोर के गड़ासी वाली धरती मूल जीते मनु यार्लीन पायो जोर के गड़ासी वल्ली बस घर में कौन गाना गाता है कोई नहीं अपने भाई भाई के छोटे फोर का हो गया वो वो उसके वो मेरे को पता है ये, ये सब गाना बस इसमें से हेलो लियो जो गाया था वो मेरी बुआ बताया बस ये वाला ये आपकी एज कितनी है फाइव तो छोटे भाई से सीखते हो आप छोटे भाई से सीखता नहीं हूँ वो बस टीवी में लगा देते दोनों नाचते रहते हैं बस अरे वाह बहुत अच्छा छोटा भाई कहाँ है अभी 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 तो कॉलोनी में ही रहता है मतलब बहुत पास है दौड़ कर चल जाता मैं तो चलो बढ़िया है ठीक है तो आप देख लिए कि किस तरह से बच्चों में नई चीज़ सीखने का उत्साह कला संगीत चित्रकारी बांसुरी बजाना हो या तबला बजाना हो अगर आप इन चीज़ों के शौकीन हैं तो आपको रायपुर के कला केंद्र में ये सब चीज़ें मिलेंगी आप भी आए और अपनी कला को निखारें अपनी प्रतिभा को निखारें अपने हुनर को निखारें वीडियो जर्नलिस्ट दुर्गेश साहू के साथ मैं मृगेंद्र पांडे